हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम बनाने वाले हैं चिकन चीज़ बॉल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड टू दी वीडियो। हमारी चिकन चीज़ बॉल थोड़े से बड़े बड़े से रहेंगे, छोटू छोटू सा मिनी साइज़ नहीं रहेंगे, बट बहुत ही ज़्यादा चीज़ी रहेंगे, एक्सट्रीम चीज़ी। एंड आई लव दिस काइंड ऑफ चिकन चीज़ बॉल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड टू दी वीडियो। सबसे पहले आपने हाफ स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट लेना है, 2 चम्मच हरी मिर्ची का पेस्ट लेना है, बहुत सारी चिकन लेना है, 1 कैप्सिकम लेना है, बारीक बारीक चॉप कर लेना है, गाजर को छिल लेना है। यूजली सब जन गाजर कट करके डालते हैं, बट लिटरली आई हेट गाजर कटा हुआ, तो मैं गाजर को ऐसे छिल छिल घस घस के, जो वो होता है ना ऐसे फाइनली चॉप्ड काइंड ऑफ, वैसे डाल लेती हूँ। ठीक है, फिर आपने क्या करना है, 4 से 5 आलू ले लेने हैं बॉईल करे हुए अच्छा खासा, और फिर उसको इसमें डाल के अच्छे से मैश कर लेना है। ठीक है, तो मैंने इसमें कम से कम 5 आलू ले लिया है, इस तरह से इसे बॉईल कर लिया है, छील लिया है और इसमें डाल दिया है, और अब मैं इसे कर लूँगी मैश। रमज़ान में चिकन और चीज़ वाली रेसिपी हो जाए तो मज़ा आ जाता है, स्पेशली चीज़ इज़ माई फेवरेट, लाइक चीज़ी वाला कुछ भी हो चिकन के साथ, तो आई लव इट। ठीक है, अब इसमें मैंने ऊपर से नमक डाल दिया है, बहुत सारा कोथमीर आपने डालना है अगर आप कोथमीर आपको पसंद हो तो, मुझे बहुत पसंद है, मैं अपनी हर डिश में मेक श्योर करती हूँ कि मैं बहुत सारा कोथमीर डालूँ। इसमें 2 स्पून कॉर्नफ्लोर का कॉर्नफ्लोर डाला गया है, और अंडा डालना है, अंडे का येल्लो ही आपने नहीं डालना है। ठीक है, अब इसमें आपने बहुत सारा सा कोथमीर डाल देना है, और फिर इसके बाद ये सारे मिक्सचर को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। ठीक है, फिर इसे अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, तो जब ये इस तरह से हो जाएगा तो हमें इसके बॉल्स बनाने हैं, बॉल्स के अंदर फिलिंग करनी है, तो चीज़ की फिलिंग करनी है। चीज़ के जो क्यूब्स है ना, आप वो अवॉइड करके, मैं आपको बोलूँ जो स्लाइस वाली चीज़ होती है ना वो डालो, वो बहुत सॉफ्ट होती है और वो एक बॉल शेप में बन जाती है और अंदर आराम से फिट हो जाती है, वो ऐसे शेप वाला चीज़ रहता ना वो नहीं होते। तो इस तरह से बॉल्स बन गए हैं, अब मैंने बॉल्स को डीप फ्राई कर लिया है, ब्रेड क्रम से कोटिंग किया और उसे डीप फ्राई कर दिया। डीप फ्राई करने के बाद चीज़ को ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, बिकॉज चीज़ मेल्ट होती है वो बाहर आती है। ठीक है, तो आपने ज़्यादा चीज़ को फ्राई नहीं करना है, हल्का करना है, बिकॉज इसमें जो भी इंग्रेडिएंट्स पड़े वो ऑलमोस्ट एवरी थिंग्स आर बॉयल, तो इसे सिर्फ हल्का सा फ्राई करना है और उसके बाद निकाल लेना है, तो आपका चिकन चीज़ बॉल रेडी। सो मेक श्योर टू लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट ना। बाय बाय।